छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से रहस्यमयी जगह है जो कि आज भी विलुप्त है। फिलहाल हम एक और रहस्यमयी जगह पर पहुंचने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं रहस्य से भरा एक पेड़ जो कि 4 सालों से आज भी खड़ा हुआ है। और इस वृक्ष को सराई बाबा के नाम से भी बोला जाता है और लोग इस जगह पर आकर पूजा पाठ भी करते हैं। और इस वृक्ष की अनेक प्रकार की कहानियाँ भी हैं, तो आपको बताते हैं और साथ ही साथ दिखाते भी चलते हैं किस प्रकार से है वृक्ष का साइज है, लंबाई है, ऊंचाई है। यह पेड़ छत्तीसगढ़ का उम्रदराज 2 नंबर का पेड़ है और इस पेड़ को वन विभाग वन धरोहर का दर्जा दिलाने में भी लगा हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये वृक्ष जो कि इसका मोटाई ऊंचाई दूसरे पेड़ों से कुछ हटके हैं और आपको नज़दीक ले जाकर दिखाते हैं कि किस प्रकार से यह पेड़ आज भी खड़ा हुआ है और हरा भरा भी आपको नज़र आएंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से यह वृक्ष देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा इसका मोटाई भी है और इसके अगल बगल तार का घेराव करके यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि वन विभाग इस पेड़ को वन धरोहर का दर्जा दिलाने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं अगर आसपास के लोग इस जगह पर पहुँचेंगे तो थोड़ा बात करके आपको भी बताने वाले हैं इसके बारे में। फिलहाल आप यहाँ से देख सकते हैं और इसकी मोटाई की बात करें तो 4 व्यक्ति एक साथ हाथ फैलाकर एक दूसरे का हाथ पकड़े तो हाथ में नहीं आएगा, इस प्रकार से इसका मोटाई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस जगह पर साल में एक बार आसपास के गांव वाले इस जगह पर पहुंचते हैं और इस साई का पेड़ का पूजा पाठ करते हैं, इसलिए इस पेड़ को इस गांव वाले जो है ये सराई बाबा के नाम से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं इस सराई बाबा पेड़ का। फिलहाल इस पेड़ को सराई बाबा के नाम से जाना जाता है। अगर आपको सराई बाबा का दर्शन करना है तो आपको अगर इस जगह पर आना है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। तो देख सकते हैं ये क्योंकि ये घने जंगलों के बीच में इस कारण से एक व्यक्ति इस जगह पर नहीं पहुंच सकता। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।